तो पैन कार्ड का इस्तेमाल आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और बैंक अकाउंट ओपनिंग जैसे डिफरेंट पर्पस के लिए किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पैन कार्ड नंबर में 10 कैरेक्टर्स होते हैं और ये 10 कैरेक्टर्स क्या सिग्निफाई करते हैं? पैन कार्ड नंबर के फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स हमेशा अल्फाबेट होते हैं, नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स नंबर्स होते हैं और लास्ट कैरेक्टर भी अल्फाबेट होता है। सबसे पहले 3 अल्फाबेट कैरेक्टर अल्फाबेट सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं और ये सीरीज AAA से शुरू होकर ZZZ तक जाती है। फोर्थ अल्फाबेट बेहद इंपॉर्टेंट है और ये बताता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में आप कौन है। P का मतलब होता है इंडिविजुअल, C का मतलब होता है कंपनी, H का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, A का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्संस AOP, B का मतलब है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI, G का मतलब है गवर्नमेंट एजेंसी, J का मतलब है आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन, L का मतलब है लोकल अथॉरिटी, F का मतलब है फिल्म या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और T का मतलब होता है ट्रस्ट। इसके बाद फिफ्थ अल्फाबेट सरनेम के फर्स्ट कैरेक्टर को डिनोट करता है। उदाहरण के लिए अगर आपका सरनेम सिंह है तो फिफ्थ कैरेक्टर S होगा। फिफ्थ कैरेक्टर के बाद शुरू होते हैं नंबर्स। अगले 4 कैरेक्टर नंबर्स सिक्वेंशियल नंबर्स होते हैं। ये 0001 से शुरू होकर 9999 तक जाते हैं और लास्ट में 10th कैरेक्टर होता है एक अल्फाबेट जो सीक्वेंस का ही पार्ट होता है। दोस्तों क्या आपको पता था अपने पैन कार्ड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इंटरनेट के बिना दुनिया को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। उदाहरण के लिए आपने अपने ब्राउजर पर क्लास 12th और CUET एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट को सर्च करा www.tuxeducation.com। अब आपका कंप्यूटर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास रिक्वेस्ट भेजकर पूछता है कि www.tuxeducation.com का सर्वर कहाँ है या उसका IP एड्रेस क्या है। IP एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो किसी कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है। अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो DNS सर्वर यानी डोमेन नेम सिस्टम सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है। DNS एक एक्सेल शीट की तरह फंक्शन करता है जो डोमेन नेम्स को IP एड्रेस के साथ मैप करता है। यहाँ से tuxeducation.com का IP एड्रेस आपके कंप्यूटर पर आ जाएगा। अब इस IP एड्रेस पर एक रिक्वेस्ट जाती है कि आपका कंप्यूटर www.tuxeducation.com को व्यू करना चाहता है और फिर तक्ष एजुकेशन के सर्वर से tuxeducation.com का सारा कंटेंट आपके कंप्यूटर पर विजिबल हो जाता है। ये सारी रिक्वेस्ट और डेटा ट्रांसफर ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से होता है, जिन्हें पूरी दुनिया में ओशंस के अंदर बिछाया गया है। दुनिया का 98% इंटरनेट ट्रैफिक ऑप्टिकल फाइबर केबल से आता है और बचा हुआ 2% सैटेलाइट इंटरनेट कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी इंटरनेट की वर्किंग की। अगले वीडियो में आप सर्वर या कंप्यूटर की कौन सी टेक्नोलॉजी को समझना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए